नमस्कार प्रणाम। बहुत ही लंबा अंतराल के बाद आज रउरा सब से रूबरू होके के सौभाग्य प्राप्त भइल बा। देखिए ये समाज है, अगर आप हमसे मजाक करते हैं, हमें कुछ बोलते भी हैं, चाहे हम पे नाराज भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हर एक विचारधारा के आदमी हैं। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं और हर आदमी को अपने बात रखने की स्वेच्छा है। उसी तरह हमारे भोजपुरी समाज में भी हर सुनने वाले व्यक्ति का अपना अपना विचार है, अपना अपना उनका व्यवहार है, उनका एक अपना अलग सिस्टम है। अगर वो राकेश मिश्रा को नाराजगी में 200 बोल भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको प्यार नहीं करते हैं। मुझे पता है कि वो प्यार करते हैं। अब का बाकी कबो कबो लहर चलेला तो लहर में सब है लपेटाला, चाहे केहू हो खेल लपेटाला सब है। गंगा जी आवली तो पूछ के थोड़े आवेली कि केकरा दुआरी पर जाए केकरा दुआरी पर नीखे जाएगा। तो आजकल एगो माहौल चलल बा, अब वो माहौल में बस एक बात बा कि भाई कुछ होखे केहू होखे कुछ होके बस ओकरा पर कुछ पैसा वैसा तो मान ला कि देखा भाई एगो गाड़िये ऐसा चीज बा, सोशल मीडिया ऐसा चीज बा कि ओकरा पर पैसा नीखे लागत। जेकरा के जितना मन भर के गाड़ी लिखे के बा गाड़ी लिख सके। हम मान ला कि कलाकार जो भी बा, हम ज्यादा विशेष नहीं जानत, हम अपना के बात कहते नहीं, हम किसी के लिए या किसी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग जज हैं, आप लोग जनता हैं, जनता ही जज होती है, जनता ही भगवान होती है और जनता ही सब कुछ होती है। ये नेता और अभिनेता के लाइफ में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, मैं खुद बोल रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स भी कर चुका हूँ और मैं आज कलाकार भी हूँ, लेकिन जनता से 2-3 सवाल एक कलाकार होने के तौर पे मेरा भी है। अगर आप लोग का इजाजत होगा कि भैया आप अपनी बात पूछ सकते हैं तो मैं पूछूंगा, तो फिर उस पर उल्टा सीधा कुछ बोलिएगा मत, उसका जवाब दीजिएगा अच्छे से। हम बोल के चुप हो गए हैं, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि भैया कुछ आप बोलिए चाहे आप कहिए, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हम आज आप लोगों से मैं भी देख रहा हूं सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पिछले 1-1.5 महीना से हम देख रहे हैं, जब से पिताजी का डेथ हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और हक हर आदमी को बोलने का है, हर कलाकार को बोलने का हक है। अगर आप लोग का आदेश होगा तो आज मैं उन सभी बिंदु पे बात करना चाहूंगा। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो, अगर गाली गलौज करना चाहते हैं तो हम माफी चाहते हैं, हम आप लोग से बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग गाली गलौज नहीं करेंगे और किसी विषय पे वार्तालाप करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ तैयार हूं वार्तालाप करने के लिए, उस हर विषय पे जिसका आंसर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे समाज में बातें रख रहे हैं, चाहे भोजपुरी गीत संगीत पे बात कर रहे हैं, चाहे जो भी अभी तक हुआ है घटनाएं क्रम जो भी हुआ है उस पर अगर आप बात करने के लायक हैं या आप बात करना चाहते हैं, मेरा बहुत क्लियर है, क्योंकि आप सब भगवान हैं, आप सब जज हैं, आप सबसे बच के हम लोग कहां जाएंगे, आप लोगों से हम लोग बच के कहां जाएंगे। आप लोग पहली बात है कि सोशल मीडिया मतलब फ्रस्ट्रेशन का दुकान बना लिए हैं। फेसबुक का मतलब है कि भोरे आँख खुलत आ मुंह में दतवन करो चाहे ब्रश करो एक बाद लागो गाड़ी लिखे, ये कोनो महानता के काम थोड़े हो। ये गाड़ी लिखल महानता के काम ना हो, किसी विषय को उठाना अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि हर बात को उठाना अच्छी बात है, समाज में हर बात को उठाया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है। और उसको आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब हम बोलेंगे तो कल सुबह पूरे यूट्यूब पे हमको डाल के और न जाने कितना अभद्र अभद्र बात लिख दिया जाएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। सच बात किसी को पचता है क्या? किसी को अपना दही खट्टा लगता है? अगर मैं पॉइंट रखना शुरू कर दूं तो उसका जवाब आप लोग देंगे, आप लोग साथ देंगे नहीं देंगे, आप लोग हट जाएंगे। सच्चाई पे कोई साथ नहीं दे सकता है ना। अगर सच्चाई मैं बोल दूं, मैं 17 साल से संगीत लाइन में, 17 या 15 साल तो हो ही गया, 14-15 साल हो गए, इतना दिन बिताने के बाद मुझे क्या नहीं पता है, और मैं किस बात का जवाब नहीं दे सकता हूं आप लोग का, हर बात का जवाब दे सकता हूं। लेकिन सच ये है कि केहू अपना दुआई के खट्टा ना कहे। अगर मैं कोई बात रख दूंगा तो कल सुबह पता चलेगा कि सारे लोग राकेश मिश्रा के विरोध में यूट्यूब पे अपने अपने यूट्यूब पे फोटो लगा के और डाल दिए कि पता नहीं कितने सारे बात लिख देंगे, जबकि सच्चाई कोई नहीं लिखेगा। भोजपुरी का सबसे पॉइंट नंबर एक मेरे तरफ से, पॉइंट नंबर मेरा पहला पॉइंट नंबर एक है कि जब भोजपुरी में मैंने गाना गाया कि बेटवा मिठाई हो गई बेटिया पराई हो गई, मैंने अभी 10 दिन पहले एक गाना गाया निर्गुण,
मैंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए अभी जो हाल फिलहाल में आया है कोविड काल में, चाहे जो भी कुछ इमोशनल गाने गाए। जैसे आज ही मैंने अपने राकेश मिश्रा ऑफिशियल से गाना रिलीज किया, एक बहुत प्यारा सैड सॉन्ग। आप लोग बता दीजिए कि हम जितने अच्छे गाने अभी तक रिलीज किए हैं, अच्छे मतलब कि गाने का एक अपना कैटेगरी होता है, सैड सॉन्ग अलग हो गया, इंटरटेनमेंट के लिए गाना अलग हो गया, निर्गुण अलग हो गया, पूर्वी अलग हो गया, भैरवी अलग हो गया, सिंगार रस का गाना अलग हो गया। पहले तो भोजपुरी भाषा का 40% किसी को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बात कहने पे सबको बुरा लग जाएगा। गारी लिखने वालों को पहले यही नहीं पता है कि सिंगार रस किसे कहा जाता है, भैरवी किसे कहा जाता है, पूर्वी किसे कहा जाता है, निर्गुण किसे कहा जाता है, बिरहा किसे कहा जाता है। भोजपुरी गीत संगीत का कितना विधा है ये किसी को जानकारी तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम आप सबसे एक सवाल कर रहे हैं कि जब भी भोजपुरी में कोई अच्छा सैड सॉन्ग आता है, निर्गुण आता है, पूर्वी आता है, तो क्या भोजपुरी के जितने यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने चैनल पे इस बात का खबर शाम को चलाते हैं कि एक बहुत बढ़िया गाना आ रहा है राकेश मिश्रा का, आप लोग सुबह में जरूर सुनिएगा? नहीं चलाते हैं भाई जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा लगेगा तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, अब सच बोलने जा रहा हूं। कोई भी कलाकार, राकेश मिश्रा छोड़ दीजिए, अगर कोई भी भोजपुरी में अच्छी गाने आते हैं, जैसे सैड सॉन्ग आ गया, जैसे मान लीजिए कोई भी गाया, जैसे कोई भी बड़े स्टार छोटे स्टार कोई भी कलाकार गाना गाया, अगर वो निर्गुण गा दिया, पूर्वी गा दिया, तो क्या किसी कलाकार के गाने को उठा के आज जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन चल रहा है, वो कभी ये कहते हैं कि नहीं राकेश जी देखिए ना वो गरीबों पे बड़ा अच्छा गाना गाए हैं, इस गाना को सुनना चाहिए? उस गाने का व्यूअर जानते हैं कितना होता है सर? उस गाने का व्यूअर आपको पता है? मैंने 15 दिन पहले एक निर्गुण गाया है एंगल म्यूजिक में, उस गाने को जानते हैं कितना लोग सुने हैं? 15 दिन में 80,000 लोग सुने हैं। लेकिन अब सारे लोगों को नाराजगी क्यों होगा? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, हर आदमी अपने सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो चैनल पे कोई बोले, चाहे वो कहीं बोले, चाहे गीत संगीत के लिए बोले, वो सारे लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसी न किसी टारगेट वाली बात को रखोगे तो सही होगा। लेकिन हमारे एक रिक्वेस्ट बा, हम कभी भी केहू के कोनो प्रकार के शिकायत, कोनो प्रकार के केहू से हमारा कोनो त्रुटि निके, हमारा बस यही अनुरोध है, हमको जितना पता है, और हमने अपनी बात लिखी भी थी कि मैं विशेष किसी बात पे नहीं बोलना चाहता हूँ कि गीत संगीत और क्या ये अथाह समुद्र है, इसी में न किसको ज्ञान हुआ है न होगा। हम भी आज भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। हम संगीत को, संगीत का जितना भी विधा है, हम संगीत को संगीत की तरह जानते हैं। हम आज तक कलाकारी की है तो हमको सिर्फ संगीत ही समझ में आया है और कुछ विशेष समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी भगवान हैं, आप सभी दर्शक बंधु हैं, आपका विचार, आप गाली भी देंगे तो अभिनंदन है, आप प्यार भी देंगे तो अभिनंदन है। हम कलाकार हैं, कोई भी कलाकार आपको कुछ बोल नहीं सकता है, उसका काम है इंटरटेनमेंट करना, उसका काम है आपको प्यार देना, वो प्यार ही देगा, वो आपसे प्यार ही करेगा। लेकिन प्यार करने का मतलब है कि आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना बॉस, जब गाने आएंगे अच्छे, जब गीत होंगे, जब गीत संगीत होगा। और देखिए, गीत संगीत ये इंटरटेनमेंट है, जिस तरह आप बाजार में जाते हैं तो हर प्रकार की चीजें आपको मिलती है, उसी तरह गीत संगीत में हर प्रकार का विधा अलग अलग है। हाँ, आपकी एक बात सही है, मैं सारे लोगों की इस आवाज के साथ हूँ कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए, हमारे गीत संगीत का एक दायरा हो, हमारा एक लेवल हो। इसके लिए मैं पूरे भोजपुरी समाज, पूरे भोजपुरी दर्शक को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इस बात के लिए आगे आइए और मैं आपके साथ हूँ। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा सॉन्ग आएगा, लेकिन सोच भी थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर किसी बात को एक माहौल बना दिए गए तो उस बात को पकड़ के आप हर चीज को उसमें नहीं लपेट सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और भाईचारे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक भाई समझिए, एक कोई भी कलाकार है वो आपका भाई है ना, आपके घर में आपके भाई नहीं है, छोटे बड़े भाई नहीं है। आज आप ही लोग के आशीर्वाद से हम लोग का भी परिवार दुगो रोटी दाल खाता है सर। आप लोग आशीर्वाद देते हैं तब हमारे घर में भी परिवार चलता है, चाहे हमारे से 10 लोगों का घर का चूल्हा जलता है। आज जितने छोटे मोटे बड़े कलाकार हैं, आज इस कोविड में कितना परेशान हुए इसका किसी को अंदाजा है? आप लोग ठीक है, नाराजगी में मुझे 4 गाली आप दे रहे हैं, लाइव में आके गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से आपको लग रहा है कि आप बहुत महान है? आपको लग रहा है कि आप बहुत महान है गाली दे दिए तो, इससे आपका बहुत बड़ा नाम हो गया? अरे वाह 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 वाह, फलाना जी ने तो आज राकेश मिश्रा को गाली दे दिया, भाई इनको फूल माला चढ़ाओ, इनको एकदम अभिनंदन करो।
जो गाली दिए हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि कम से कम मुझे गाली तो दिए गुस्सा में आके, नहीं तो पता नहीं प्यार तो कभी जताते नहीं है, कम से कम गलिए दिए तो समझ में आया कि प्यार करते हैं। आज YouTube पे जितने भी बातें उठ रही हैं, जितनी भी बातें उठ रही हैं, YouTube के द्वारा एक एक छोटे और बड़े जितने भी चैनल पे न्यूज बनाया जाता है भोजपुरी के बारे में, चाहे भोजपुरी कलाकार के बारे में, चाहे भोजपुरी गीत संगीत के बारे में, आखिर वो चैनल चलाने वाले भी किस लिए चला रहे हैं? उससे दो पैसा कमाने के लिए ही ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति रोजी रोटी के लिए ही मेहनत कर रहा है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो भी हमारे मित्र साथी हैं, जो आज YouTube पे हर जगह मेहनत करके हम लोग का न्यूज बोलते हैं, बताते हैं, साथी सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ दिया करते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना नाम है, मेरा कोई बात नहीं है, मेरा लाइफ में आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी परिवार हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उसको उल्टा सीधा करके, चाहे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने से ज्यादा जरूरी है हम लोग उस चीज को सही करें। इसमें पूरा परिवार साथ है, आप सभी लोग का आशीर्वाद प्यार है, आप सब लोग उस तरह की चीजों को करिए। अगर रहुआ अपन महानता बुझाता कि आके फेसबुक पर गाली देवे चाहे तो वह महानता, बट वही महानता के हिसाब से काम करी, क्यों माना थोड़े करी। लेकिन ओकर दोसर भी कारण, ओकर दोसर भी रास्ता बा कि भोजपुरी भाषा में कंट्रोलिंग एगो चाही, एगो पर्दा चाही, एगो सिस्टम में चाही, तो इंटरटेनमेंट के तरीका हमेशा गलत ही ना होला। आप जबरदस्ती के अब एकदम ठानिए ले कि दिन रात हमारा मन उल्टे ओकरा पर बोलही के बा, तो ओकर कोनो जवाब नहीं। एक कहावत है कि जिसकी जैसी सोच रहेगी वो ऐसा सोचेगा, उसका तो भाई जवाब ही नहीं है। ऑडियो वीडियो का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो वीडियो शूटिंग करेंगे ही करेंगे। आप सिनेमा देखते हैं तो आपको मजा आता है उसमें सीन दिखता है, तो आपको हिंदी हॉलीवुड में सीन दिखता है तो मजा आता है। लेकिन अब क्या है कि भोजपुरी में आपको पता है कि बस भोजपुरी में कुछ करना थोड़े है, कलाकारों को आराम से गाली सुना देना कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोलेंगे थोड़े। अब जबरदस्ती का टारगेट करना है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप कान में हेडफोन लगा के मोबाइल पे फिल्म देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, हर सिनेमा में सीन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन राकेश मिश्रा गाना कर दिए, वीडियो बना दिए तो आपको बहुत समस्या है। तो उस समस्या गाना से नहीं है, राकेश मिश्रा क्यों आगे बढ़ रहे हैं? राकेश मिश्रा घर बैठ जाए, उनका परिवार भूखे मर जाए, वो बर्बाद हो जाए, तब आपको खुशी होगी। उस बात के लिए राकेश मिश्रा को तो टारगेट एक ही बात के लिए किया जाता है कि राकेश मिश्रा को इतना ना गाली दो, इतना डांटो, इतना बोलो कि वो बेचारे अब बर्बाद हो जाए। लेकिन मुझे जितना पता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जाके पता कर लीजिएगा, आप लिख रहे हैं ना फेसबुक पे कि आपको कितना नॉलेज है। मैं लास्ट गीत अगर गा सकता हूँ तो सिंगार रस के कंट्रोल में ही गाता हूँ, और सिंगार रस, एक सिंगार रस होता है भोजपुरी में वो आपको पता होगा ही, तो मैं सब कुछ एक कंट्रोलिंग लेवल के अंदर ही काम करता हूँ। तो रहल बात हमारा के टारगेट करेंगे तो हमारा के टारगेट रुआ सब करी, चाहे गाली दी कुछ भी दी, हम अभी भी रउए कहतनी, बबुए कहतनी, भाइये कहतनी, आ जब ले सांस रही हम ये कहब, जब तक सांस रही हम ये कहब, रुआ सब हम रउए कहब। हम आप लोग आदरणीय हैं, आप लोग गार्जियन हैं, पूरा भोजपुरी समाज हमारा मान सम्मान बढ़ाता है भोजपुरी भाषा का, आप लोग हमारे गार्जियन हैं। और मैं कभी भी चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूँ, इसीलिए बदनाम हूँ पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब न्यूज पे भी बदनाम इसीलिए हूँ कि मैं चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ जितना समझ है उतना ही बात करता हूँ, अपने समझ से अपने औकात से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। कि राकेश मिश्रा का विरोध अगर हो रहा है तो राकेश मिश्रा के गाने से प्रॉब्लम नहीं है, राकेश मिश्रा से प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ हर पार्टी के उम्मीदवार के अपोजिशन खड़े रहते हैं जिनको सिखाया जाता है कि आपको राकेश मिश्रा को टारगेट कर लेना है। तो भोजपुरी गीत संगीत में भी राकेश मिश्रा को टारगेट कंटिन्यू किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। आप 10 नहीं 10,000 मिलकर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 38-39 करोड़ जनता मेरे साथ आशीर्वाद के लिए खड़ी है। मैं आज तक अपना गाना रिलीज हुआ है तो किसी यूट्यूब पे बनाने वाले लोगों से नहीं बोला हूँ कि मेरे गाने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे खेत में मकई कटने का न्यूज बना दीजिए, चाहे मेरे शर्ट पहनने का न्यूज बना दीजिए, क्योंकि हमको भरोसा वो 40-45 करोड़ जनता पे है। गाना अच्छा होगा, गीत अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे ही सुनेंगे। और मैं अपने सभी कलाकार भाइयों और सभी का, जैसे आप सब मेरे गार्जियन हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। हमको किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सब एक बराबर है, सभी मेरे भाई एक बराबर हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बड़ा हो, अच्छा हो, और ये भाषा बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आप लोगों को प्यार से टेकल करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। जोन रुआ सब ऑल इंडिया लेवल पे सुपर डुपर हिट गाना करोनी, ए राजा जाई ना बहरिया और राजा जवान हम लड़का, वो दोनों गाना के सुपर हिट सीक्वल बहुत जल्दी आप सबके बीच में आवे अलावा।
और हमरा उम्मीद बा कि रउरा सब है अपना रकेशवा के, अपना छोट भाई के, अपना घर के लैका के आशीर्वाद, प्यार, दुलार अनघा देव सब है। और यह उम्मीद हम हमेशा रखीला, जाने अनजाने में हमार कोनो भी शब्द से अगर केहू के त्रुटि पहुंचल होके हाथ जोड़ के क्षमा चाहता नहीं। आप सब हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे भगवान हैं। मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। जय भोजपुरी।